हेलो। हेलो, बताएं, फोन किया था आपको तो। अरे हेलो, आपने एक दिन फोन किया था, तो मैं रिश्तेदारी में बैठा हुआ था। फिर उसके बाद कल मैंने आपको कई बार कॉल किया, आवाज नहीं आ रही थी। फिर आपने कहा कि मैं जनाजे में आया हूँ, इर्शादाबाद फोन करूंगा। आपने इर्शादाबाद भी फोन नहीं किया। अच्छा, बहरहाल आप बात कर लीजिए। अच्छा, तो मैं यही आप उस दिन एतराज कर फोन रहा था किए कुछ थे बातों तो। हाँ कि वो ये राशिद अरशद मदनी, जी, अरशद मदनी साहब जो बयान दिए हैं, ओम और अल्लाह एक है कह करके, तो ये कहाँ तक माना आप लोग दुरुस्त समझते हैं, और ये क्या ख्याल है इनके मुताबिक, वो मैं जानना चाहता था। जी फरमाए। हेलो। हाँ फरमाए। अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, ओम और अल्लाह एक है कह करके, तो बताएं क्या मामला है आप लोगों का। ओम और अल्लाह एक है, आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं वीडियो सुना हूँ, ओम और अल्लाह एक है, उंगली इशारा करते हुए ऊपर उनके लफ्ज बताए। दोहराइए जरा, आप जी उनका जो लफ्ज है उसको आप दोहराइए, क्या कहा उन्होंने? मैं पूरी वीडियो वो मैं दोहरा नहीं सकता ना, बस वो उनका लफ्ज ये है, ओम और अल्लाह एक है। ओम और अल्लाह एक है। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जो सुना मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, और अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो नहीं, पुनः, बस यही ताकि मैं पूछना चाहता हूँ, मैं फर्क न ज्यादा पड़ना इसमें। है कि मैं जो है ना, मतलब कि जरा बेहतर तरीके से बात करने का जो है वो हूँ, कायल हूँ, कि दोनों तरफ से जब आदमी बोलते हैं ना तो वो बात समझ में नहीं आती। इसके लिए अगर आपको और कुछ बोलना है तो आप बोलिए, फिर नहीं, आप मैं। इसे, ये क्या मामला है, ये है, मैं यही पूछना चाहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, तो आप मामला पूछना चाहते हैं। ये क्या मामला है, ये ओम और अल्लाह को ये करना सही है या गलत है? ओम और अल्लाह को एक कहना, उन्होंने ओम और अल्लाह को एक नहीं कहा, पहली बात तो। और ठीक है, देखिए कलामे पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अहलल किताब تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, कहो ए अहले किताब, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। तो कुरान की इस आयत से तो मालूम हो गया कि जो है अहले किताब, जो है जितने भी अहले किताब हैं उनमें, और क्या कहते हैं कि मुसलमानों में कुछ ना कुछ यकसानियत जरूर है। आप इस बात को मानते हैं मुफ्ती साहब, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। है ना, ऐसी बहुत सारी बातें है ना, कि क्या कहते हैं कि दीगर अहली के तो, और क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये इरशाद भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम में कोई ना कोई ना जो है, मतलब अल्लाह से डराने वाला जरूर अल्लाह ताला ने भेजा है, दावत उन तक जरूर दीन की पहुंचेंगे। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हिंदुओं के पास कोई नबी आया हो, उन तक दीन दीन की दावत पहुंची हो? हिंदू तो बाद में कहने लगा जी, उनका नहीं, कौम में जैसे दूसरा उन्होंने अपने था, आप को फैलाते अपनी नहीं कहा है। किताबों को पूरे बदल दिया, लेकिन हर कौम में मुफ्ती साहब, जरूर इसलिए नबी आए मैंने इसीलिए थे, ये आपसे मानना कहा था पड़ेगा। कि मैंने इसीलिए पहले आपसे कहा था कि आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें, बीच में जरा खलत मुबहस करेंगे तो फिर बात करने का नहीं जो, नहीं बस बीच में आपको, आपके बात करने के वक्त में मैं चुप मैं ये कह रहूंगा, रहा आप था, बात करिए। देखिए मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा था कि आज जो मशहूर है, जो मारूफ है हिंदुस्तान के अंदर, एक सबसे बड़ा मजहब जो मारूफ है, मशहूर है, वो हिंदू मजहब है। भले वो क्या कहते हैं कि हिंदू नाम वो नहीं है, वो सनातन नाम है उनका, लेकिन हिंदू नाम से वो मशहूर है। तो आप इस बात के कायल हैं कि उनके पास कोई नबी आया होगा किताब लेकर, कुछ सहीफा लेकर वगैरह? वो तो बहुत पहले से किसी को कोई इत्तला हमें नहीं मिली है, लेकिन हर कौम के पास अंबिया आए हैं, हर काम इसकी के पास जरूरत अंबिया आए हैं, आप इस बात को एग्री करते हैं ना, मतलब आप इस बात पर भी एग्री करते हैं, जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई नबी आया है। अगर आप इनकार करेंगे तो आप किन्नत से कतई के इनकार करेंगे, क्योंकि ये कतई कतईयात में से साबित है कि हर कौम के पास कोई ना कोई नबी आया है, अल्लाह तआला ने उनकी तरफ भी कोई ना कोई किताब या सहीफा भेजा है। ठीक है, अभी देखिए आप ही के जो है ना मसलक के एक मुफ्ती साहब हैं,
आपने उनका साहब नाम सुना होगा, ये मिसबाही जो अलकाब है ये आपके ही जो है मतलब के लोग उलमा लगाते हैं ना। बता है ना, देखिए इनका नाम है मुफ्ती मुफ्ती नासिर रामपुरी मिसबाही। ठीक है मुफ्ती साहब, अब ये क्या कहते हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब की जो है ना जो उन्होंने बयान दिया है उसकी तारीर करते हुए लिखते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद के हालिया इजलास में मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से जो दिया गया बयान बहुत अहम बर वक्त जरूरत भरा बहुत मदल्लल व मुहताज और नहायत नफातुला है और हमें चाहिए कि जिस तनाजुर में आप अरफाज पर काम कीजिएगा आपने जो ना ये क्या कह रहे हैं कि और हमें चाहिए कि जिस तनाजुर और जिस मुल्की फिजा में जिन लोगों को खताब करते हुए ये अहम बयान दिया गया है उसी तनाजुर में उसको समझें। ये क्या कह रहे हैं कि जिस तनाजुर में ये बयान दिया गया है जिस मुल्की फिजा में जो आज मुल्क के हालात हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बयान को समझे कह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, बयान का असल मकसद तौहीद को उजागर करना है। मुफ्ती नासिर रामपुरी साहब कह रहे हैं मिसबाही कि बयान का असल मकसद तौहीद को उजागर करना है, ये बताना है कि इस्लामी असल और कदीम मजहब है। 1400 साल कबल सिर्फ बाद शराए अपडेट किए गए हैं, 1400 साल कबल सिर्फ बाद शराए अपडेट किए गए हैं। दुनिया का इंसान अव्वल जिस गैर हेलो मुफ्ती साहब सुन रहा हूँ बताए आप अपनी आपके मसले के मौलवी बता रहे हैं कि दुनिया का इंसान अव्वल जिस गैर मरई जात बाकमाल की इबादत करता था वही अल्लाह है जिसे मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। लाखों अंबिया मुख्तलिफ कौमों कबीलों में आए उनकी जबानें और तहजीबें अलग थी उन्हीं जबानों में वो अल्लाह को पुकारते थे और जमीन पर वो पहला इंसान आदम है उनके लिए मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम है। आप तो मुफ्ती साहब इकरार कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जबानों में आदम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ नाम है। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं मुफ्ती नासिर रामपुरी साहब मिसबाही साहब, आदम अरब में नहीं बल्कि हिंद में तशरीफ लाए, इस एतबार से इस्लाम इसी मुल्क हिंद का सबसे पहला मजहब है। ये छोटी सी उनकी तहरीर है, मैं आपको सुना देता हूँ फिर इसमें बात करता हूँ। आदम अरब में नहीं बल्कि हिंद में तशरीफ लाए, इस एतबार से इस्लाम इसी मुल्क हिंद का सबसे पहला मजहब है और इसके मानने वाले सबसे कदीम और असल हिंदुस्तानी है, लिहाजा हम वतनी और मजहबी हर एतबार से रोज अव्वल से हिंदुस्तानी है, अपने असल मुल्क और असल घर में है, लिहाजा हमसे घर वापसी का मुतालबा जहालत व हिमाकत है, असल भटके हुए दूसरे हैं ना कि हम मुसलमान। मौलाना अरशद मदनी साहब ने नहायत दो टोक अलहद पताई और बहुत ही वाज़ह अंदाज में अपने चंद जुमलों और अपनी मुख्तसर गुफ्तगु से मुल्क में मौजूद इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ माहौल और कंफ्यूजन फैलाने वाले मनफी शुबहात व मुखालिफात को लम्हे भर में धूल धुआं धुआं कर दिया। दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडों के मुकाबले में हजारों लाखों सादा लोग मुसलमानों के मुंह में जबान दे दी। मुझे हैरत है कि आज मुख्तलिफ माहौल में दावत व हिकमत के असलूब से नाचना और खुश्क फिका और मुतअस्सिम मतलब के गाली परिस्तारान बिला वजह मौलाना पर तनकीदें कर रहे हैं। फिर एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बयान को असल तनाजुर में रखते हुए और समझने की कोशिश करें और अगर बयान की बात जिमनी चीजें बात मुस्लिम अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त है तो बजाय मौलाना पर तनकीद करने के इन चीजों को आप वाजे कर दें। मौलाना आप तो इससे मना नहीं कर रहे हैं बल्कि वो तो इससे मजीद खुश होंगे। उनके अहम जरूरी बर्वत और नहायत ताकतदार बयान के बाद तकलमा आप निपटा रहे हैं। ये आपके क्या कहते हैं कि मुफ्ती नासिर रामपुरी मिसबाही साहब की तहरीर है जो मौलाना अरशद मदनी साहब की तायीद में उन्होंने कही है। आप क्या कहते हैं कि क्या अपने हम मसलक मुफ्ती साहब की बात को मानते हैं? कौन है वो क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन वो अपने एतबार से
हमारे मसलक के हैं या तो कोई मशहूर भी आलिम नहीं है जिसको आप बता रहे हैं, नासिर रामपुरी को है, इतने मशहूर नहीं है वो, और हमारे मसलक के मोतमद आलिम भी नहीं हो सकते हैं, है ना, जिस पर एतबार किया जाए उस पर, है ना, जो हर उसके उसके हो सकता है उनके तफरुद हो या उनके इजहार ख्याल किए हों या कौन, वो मसलक में हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है। लेकिन जो सही बातें हैं, ओम और अल्लाह को हिंदू लोग जो मुराद लेते हैं, और संस्कृत लफ्ज है ये ओम, जिसका माने वो लोग मुराद लेते हैं तसलीस, यानी विष्णु शिव और वर्मा के नाम पर, ये तीनों के नाम पर, और उन लोग जो मानते हैं ये तसलीस को अपने खुदा या कुछ मानते हैं उसके नाम पर मुराद लेते हैं। अब रही बात यहाँ, तो मैं आपके मुफ्ती साहब, जब बड़े मुफ्ती साहब हैं पाकिस्तान के, मुफ्ती शफी साहब, उन्होंने कहा है ये मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 130 में सूरतुल आराफ के आयत नंबर 180 के ये तफसीर करते हुए इस आयत के तहत में मारिफ और मसाइल में मुफ्ती साहब लिखते हैं, इसके अल्लाह ताला के पुकारने के लिए भी हर शख्स आजाद नहीं, जो अल्फाज चाहे जो अख्तियार करे, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हमें वो अल्फाज भी बता दिए जो उसकी शायान शान हैं, और हमें पाबंद कर दिया कि उन्हीं अल्फाज के साथ उनको पुकारें। फिर चंद सतर के बाद यानी सफा नंबर 132 में यही मारिफुल कुरान में लिखे हैं, तमाम उलमाए हक का इत्तफाक है कि अल्लाह ताला के नाम और सिफात में किसी को ये अख्तियार नहीं कि जो चाहे नाम रख ले, जिस सिफत के साथ चाहे उसकी हम्दो सना करे, बल्कि वही अल्फाज होना जरूरी है जो कुरान व सुन्नत में अल्लाह ताला के लिए बतौर नाम या सिफत जिक्र किए गए हैं। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 132 में ये मुफ्ती शफी साहब जी मैंने आपके बयान दिए हैं। तो मुफ्ती साहब ने जो ये मारिफुल कुरान में लिखा है, इसमें और मौलाना अरशद मदनी साहब की बात में कज़ा कहाँ है? इसमें क्या है, जो ये गैर मुस्लिमों के शियार है, ये अब गैर मुस्लिमों के जो शियार होते हैं उनको अख्तियार करना तमाम उलमाए अहले सुन्नत यानी तमाम उलमा का इस पे इत्तफाक है। जैसे कि एक झलक आपको फतवा का बता देता हूँ, फतवा महमूदिया जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 271 में देखेगा, इसमें भी लिखे हुए हैं, मगर इस सूरत में उन्हीं नामों को मना किया जा सकता है जो गैर कौम के शियार हैं, और जो शियार नहीं उनको मना नहीं किया जा सकता, जैसे खुदा यजदा, ये के नाम किसी मखसूस गैर मुस्लिम के शियार नहीं है, ये खुदा यजदा ये गैर मुस्लिमों के शियार नहीं है, बल्कि बकसरत अहले इस्लाम की तसानीफ में मौजूद है। ये हजरत लिखा हुआ है फकीहुल उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही साहब इसको तारीफ किए हैं। ये तमाम उलमा का इस पे इत्तफाक है, इसे जो गैर मुस्लिमों के शियार हैं खुदा को पुकारने के लिए बोलने के लिए, हम उसको हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी शरीयत उसको इजाजत नहीं देती। जी आपने पूरे मुफ्ती साहब जी 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 अच्छा देखिए, पहले बात मैंने आपको क्या बताया कि आपके मुफ्ती साहब ने कहा है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जिस मुल्क की फिजा में और जिस तनाजुर में यह बात कही है उसको सामने हुए रखते हुए उनकी बात को समझें, ठीक है। मौलाना मदनी साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा है, मुसलमानों को दावत ये कहीं नहीं दिया है कि तुम अल्लाह को ओम से पुकारो। वो बोले हैं अल्लाह ओम एक है। आपकी बात मुफ्ती साहब बहुत खामोशी से सुना है, ठीक है जी जी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि गलत मबाद करते हुए बात करना मुझे बिल्कुल, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। मैंने आपकी बात जो है ना माशाल्लाह जो है ना बहुत खामोशी से सुना है, तो आप भी मेरी बात सुने और फिर मैं आपको जो है ना पहले तो आप ये साबित कर बताएंगे, इसके बाद मैं बोल लूंगा कि मौलाना मदनी ने कहीं भी मुसलमानों को अल्लाह को ओम लफ्ज से पुकारने या याद करने की दावत दी हो। उन्होंने
बताने के मुल्क में जब कहा जाता है ये हालात चल रहे हैं कि हिंदुस्तान में या मतलब इस्लाम जो है सिर्फ 1400 साल पुराना मजहब है, जबकि हमारा अकीदा है, और आप अगर आप भी अपने आप को मुसलमान मानते हैं समझते हैं तो आप भी ये जानते हैं इस्लाम ही जो है कह जाते हैं कि दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है और पहला मजहब है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से जमीन पर उतारा था और वो आदम अलैहिस्सलाम इस धरती यानी कि हिंदुस्तान की जमीन पर उतरे थे, तो इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब हुआ। अब आज जब हिंदू लोग क्या कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जब्र करते हैं कि तुम्हारे बाबा दादा पूर्वज जो है वो हिंदू थे, वो क्या कहते हैं कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे, तो तुम लोग क्या कहते हैं कि अब घर वापसी कर लो, तो उसी बात की तनाजुर में मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि हम अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, बल्कि तुम लोग क्या कहते हैं कि मुस्लिम से कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म अपनाए हुए हो, तो तुम वापसी करने की जरूरत तुमको है। वहां पर यही बात मौलाना ने साबित किया है तौहीद जो मौलाना ने बतलाई है दो कुछ अल्फाज में कि जिसको तुम क्या कहते हैं कि जिसको अल्लाह कहते हैं उसको तो अपनी जबान में ओम कहते हो। अगर कोई भी किसी भी जबान का बोलने वाला जैसे क्या कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग अंग्रेज लोग अल्लाह को अपनी इंग्लिश की जबान में गॉड कहते हैं तो हम उनकी जबान नहीं रोक सकते, हम उनसे यही कहेंगे कि भाई देखो जिसको हम अल्लाह कहते हैं तुम अगर उसी को अपनी जबान में गॉड कहते हो तो हम इससे कोई सरोकार नहीं है, हम इससे कोई मतलब तुमसे शिकायत नहीं है। अब अगर कोई हिंदू जिसको हम अल्लाह कहते हैं उसी को वो ओम कहता है तो हम उससे कोई शिकायत नहीं है, उसकी जबान है उसको उसकी मर्जी वो चाहे ओम कहे चाहे अल्लाह पुकारे। मौलाना भाई जिसको हम अल्लाह कहते हैं उसी को तुम ओम कहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ही जो है क्या कहते हैं कि एक जात है जो इस खालिक तमाम कायनात को पैदा करने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जो मनु जिसको हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं उन्होंने कहा भी कि मैंने हिंदू पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे पहला इंसान मनु है, दुनिया का सबसे पहला इंसान उनके नजदीक मनु है जिससे मनुष्य बना है, तो हमारे नजदीक आदम है दुनिया के सबसे पहले इंसान जिससे आदमी का लफ्ज बना हुआ है। तो यहाँ पे ये बात तो साबित हो रही है कि मतलब कि जो सबसे पहले इंसान है हम उनको आदम के नाम से जानते हैं और वो उनको क्या कहते हैं कि मनु के नाम से जानते हैं, तो अब क्या कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो मुसलमान थे, जब मुसलमान थे तो हिंदुओं के भी चाहिए कि क्या कहते हैं कि उनको मुसलमान मान ले, उनको मौलाना अरशद मदनी साहब क्या कहते हैं कि तौहीद की दावत दे रहे हैं। अब दूसरी बात पर आइए, देखिए आपको जो है लफ्ज ओम और क्या कहते हैं कि अल्लाह पर क्या कहते हैं कि मतलब एतराज है। नहीं आप पहले नंबर तो गलत बोले ये कि उन्होंने हिंदू लोग कहते हैं ओम कहते हैं वो उनका साफ सीधा लफ्ज ये था अल्लाह और ओम एक है कह करके इस पे एक गिरफ्त उनकी हुई थी। बिल्कुल नहीं कहा अल्लाह और ओम एक है, उन्होंने एक है कह करके बयान दिए हैं। सुनिए मुफ्ती साहब उन्होंने कहा जिसे हम अल्लाह कहते हैं अरे बाबा उसी को तो तुम ओम कहते हो। नहीं वैसे लफ्ज नहीं कहे हैं, वैसे लफ्ज नहीं कहे हैं, अल्लाह और ओम एक है कह करके बोले। मैं बिल्कुल बयान सुना हूँ मैं। सुनिए अच्छा ठीक है सुनिए मुफ्ती साहब, देखिए ये मेरे पास फिरोजुल लगात है, फिरोजुल लगात आप मानते हैं इसको, आप इसके नजदीक मोतबर है। जी 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 ठीक है, ये बात है, ये देखिए नया डिसीजन है जदीद तरतीब और इजाफों के साथ ठीक है, 70,000 के लगभग अल्फाज मुरतबा महाजरा जरबुल मिसाल साइंसी और ठंडी इस्तलाहत। देखिए इसके जो है ना सफा नंबर 95 पे लिखा हुआ है ओम का मतलब, ओम का मतलब लिखा हुआ है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम। ये लफ्ज ओम जो है ये संस्कृत है, संस्कृत लफ्ज है। अब दिखा रहा हूँ मुफ्ती साहब नहीं ये वो संस्कृत का लुगत नहीं है ना, वो उर्दू का है लुगत, आप उर्दू लुगत में ना जाएं इसे, जो उर्दू में उर्दू एक ऐसी जबान है जो सब जबान को शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठोस लफ्ज ओम जो है संस्कृत लफ्ज है और संस्कृत के लुगत में आप देखेंगे तो इसमें विष्णु शिव और वर्मा के माने में है वो जिसको वो लोग पुकारते हैं। मुफ्ती साहब मैं इस बात से आपसे मुत्तफिक हूँ, यहाँ बताया जा रहा है जैसे जिसे ब्रह्मा कहते हैं
क्यों कहते हैं, ये सिर्फ क्या कहते हैं कि संस्कृत लफ्ज का जो है जबान का लफ्ज है, लेकिन माना वही है जिसे हम क्या कहते हैं कि उर्दू में अरबी में रब कहते हैं, रब कहते हैं। ये वो लोग शिव न कहता है जी, शिव की तस्वीर वो लोग बना करके पूजा कर रहा है। और अगर इस दौर में हम ये कहेंगे ओम और अल्लाह एक है, दोनों का माने बराबर है, जिसे आप ताइज करने की कोशिश करके आप फिरोजुल लुगत में डिक्शनरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत के माने में तो वो लोग तीन भगवान को मुराद लेता है, जैसे शिव है, विष्णु है और वर्मा है, ये तीनों को अलग अलग मुराद लेते हैं ये लोग। मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, ये जो देखिए जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का मतलब आप जानते हैं, बताएं आप, ये तो सब इंग्लिश लफ्ज है और वो सब कुछ मूर्ति बना के वो लोग मुराद लेते हैं। देखिए अल्लाह का नाम तो एक ही है, वो है अल्लाह, उसके अलावा जो भी अल्लाह ताला के नाम नाम है जो है वो क्या सिफाती है ना, वो अल्लाह के सिफाती नाम है। अच्छा अच्छा है ना, जैसे क्या कहते हैं कि रब, रब का मतलब होता है पालने वाला। अच्छा है ना, उसके बाद क्या हुआ खालिक, खालिक का मतलब क्या होता है पैदा करने वाला, ठीक है। उसी तरह हिंदू लोग सनातनी लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह को अपनी संस्कृत जबान में ओम कहते हैं, और विष्णु को जो जिसे हम अरबी में रब कहते हैं वो उसको संस्कृत में विष्णु कहते हैं, समझ रहे हैं। विष्णु का मतलब और रब का मतलब आप किसी भी क्या कहते हैं कि डिक्शनरी में उठाकर देख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे क्या कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये सब अलग अलग है, जिसको लोग दूसरा मुराद लेता है। और आपको बता रहा हूँ ब्रह्मा का मतलब होता है खालिक, मतलब खालिक जिसे आप खालिक कहते हैं उसी को संस्कृत में ब्रह्मा कहते हैं, वो तो तीनों ही को रब कहता है ना, संस्कृत में विष्णु कहते हैं। तो हिंदू में हमारी जबान में जबान का फर्क है, समझ रहे हैं। तो आप बताएं हिंदू लोग है ना क्या भूल गए हैं, आपका नाम राशिद साहब, ये विष्णु मोहम्मद राशिद हनफी, मोहम्मद राशिद साहब, मैं राशिद साहब बोल रहा हूँ, ये शिव विष्णु और वर्मा जो अलग अलग मूर्ति बना कर रखे हैं वो लोग उनकी मुराद लेते हैं। वो गए ओम जो है लफ्ज ओम है ना, देखिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, मैं साथ कट में, ये आप के उल्मा हमारे उल्मा गैर शियार मानते हैं, जो वो गैरों के शियार मान रहे हैं तो हम उस पर क्यों पढ़ेंगे, उसको छोड़ ही देना बेहतर है ना, हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जो गैरों के शियार हैं अपना शियार अख्तियार ना करें, और ओम का को अल्लाह को ओम कहने के लिए जवाब का हम रास्ता हमार नहीं करेंगे, समझे। ठीक है, आपकी बात हो गई मिट्टी साहब, मैं बहुत साठ कट में बात कर रहा हूँ, कितनी बात सुनता हूँ मैं भी आपको साठ कट में ही, दो मिनट सुन लीजिए बस, मैं बगैर इधर उधर की बकवास ना करके हवाले के साथ गुफ्तगु करने की आदी हूँ। फतावा महमूदिया जी, फतावा महमूदिया ही में जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 271-272 में असमाई इलाही में इल्हाद करने की तारीफ क्या है, क्या मुल्हिद दायरे इस्लाम से खारिज है, सवाल किया गया सवाल नंबर 85 में। जवाब देते हैं, जवाब हामिदन व मुसल्लियन, मुल्हिद कहते हैं सीधे रास्ता से हटने वाले को, जो शख्स शरीयत और इस्लाम का सीधा रास्ता छोड़कर किसी दूसरी तरफ चले, अगर वो बिल्कुल हुदूद इस्लाम से बाहर जाए तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बहुत परस्त को अल्लाह पर बात कीजिए ना मुफ्ती साहब, जी 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 वो ही बता रहा हूँ, बुद्ध परस्त कहते थे, कोई ऐसा हवाला पेश कीजिए जहाँ पर इस बात की रद्द हो कि अल्लाह को ओम नहीं कह सकते। और जी वही बात मैं बताऊँ, मौजू से नहीं हटूंगा मैं, मौजू से नहीं, अल्लाह को ओम कहने की दावत नहीं दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो जिसे हम अल्लाह कहते हैं उसी को तुम ओम कहते हो। अच्छा सुन लीजिए ना, मैं तो जो बोलता हूँ तो एक मिनट भी बोलने नहीं देते हैं, जो मौजू से रिलेटेड है आप नहीं, मौजू से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई हवाला दीजिए जहाँ पर जैसे देखिए सफा नंबर में, यही फतावा महमूदिया में आगे लिखते हैं, बुत परस्त कहते थे कि लात लफ्ज अल्लाह से बना है और उज्जा बुत
लफ्ज अजीज से बना है और मनात बुत लफ्ज मन्नान से। कुरान करीम ने कहा कि ये आसमाई इलाही में इलाहाद है, क्योंकि ये अल्लाह के नामों के का बिगाड़ना है। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 271-72 में। इसी तरह से अभी गैर मुस्लिमों के जो शियार हैं ओम कहना, तो हम ओम और अल्लाह को एक ना करके पब्लिक को धोखा ना दें और लोगों को गुमराह में ना रखें। जो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हदीस और कुरान को दलील हुज्जत के तौर पर दे दिया और आसमाए इलाही पुकारने के बहुत सारे अल्फाज भी आ गए, तो हम ये बयान करना अल्लाह और ओम एक है, हिमाकत है और इलाहाद है, और इसको मुल्हिद कहेंगे। 2 मिनट हो गए मुफ्ती साहब। जी जी, देखिए आपने कहा क्योंकि ये नाम क्या कहते हैं कि गैरों का जो है अपनाया हुआ, गैर लोग इस नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। जबकि ये बात कुरान से साबित है कि मुशरिकीन मक्का जिन लोगों के नाम के बुत बनाकर उनकी परस्तिश किया करते थे या उनके सामने अपनी मन्नतें जो है मांगा करते थे, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के औलिया अल्लाह थे, है ना। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के क्या थे? औलिया अल्लाह थे। अब क्या कहते हैं, उन्होंने उनके नाम बिगाड़ दिए, लेकिन आज भी उनके नाम क्या कहते हैं कि हदीस वगैरह में मौजूद है। और मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा हवाला आप दीजिए जिसमें ये क्या कहते हैं कि जैसे मैं आपको लोगों की किताबों से बता रहा हूँ, अभी अभी मेरा वक्त है, मैं आपको और दिखा रहा हूँ कि लोगों की किताबों में ओम अल्लाह ईश्वर परमेश्वर भगवान सब एक ही माना में है। जब सब एक ही माना में है और हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जहाँ क्या कहते हैं कि हर 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 मजहब के मानने वाले लोग हैं, और हमें उनको क्या कहते हैं कि दीन इस्लाम की दावत देनी है, क्योंकि मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंच कर रहेगा। तुम लोगों को दीन की दावत दो मगर हिकमत के साथ। अशर मदनी साहब ने क्या कहते हैं कि हिंदुओं को तौहीद की दावत दी है हिकमत के साथ। अब अगर उनके समझ में ना आए तो उनकी क्या कहते हैं कि अलग बात है, समझ रहे। अब मैं आपको देखिए खामोश हो जाए, आपका वक्त हो गया। नहीं अभी मैं अपनी बात ज्यादा भी हो गया, आप ज्यादा वक्त लेते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सफा नंबर 98 फिर फिरोज तरफ जा रहे हैं, वो तो उर्दू वो संस्कृत लफ्ज कहाँ है और हमारे उर्दू में इसमें मैं तो पहले बोल दिया ना, ये मौजूद तो बता दिया, सहारा लेंगे ना मुफ्ती साहब। नहीं मैं तो बता दिया ये उर्दू है, उर्दू अल्फाज में संस्कृत जमीन का फर्क पड़ेगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है, तो हम लोग सहारा लेंगे ना मुफ्ती साहब। नहीं आप तो कह रहे हैं कि जब उसके संस्कृत का लुगत मौजूद है और बयान कर दिया, विष्णु और शिव और वर्मा बयान कर दिया है, तीन को तस्लीस को बयान कर दिया, तो हम उसको दुरुस्त हरने कहते आप लोग कहते हैं। अगर कोई हिंदू क्या कहते हैं ओम पूरी होने दीजिए, आप उसको मना, आप उसको कैसा मना करेंगे? नहीं पूरी होने दीजिए मुझे, उनको मैं मना करने वाले कौन होता हूँ, वो अपना कहा है, लेकिन हम ओम और अल्लाह को एक नहीं कर सकते। वो अशरफ मदनी के बयान है ओम और अल्लाह एक है, जिसको बहरहाल आप फिर से सुन लीजिएगा, ये बात ये रिकॉर्डिंग आप पहले लोगों का किताब से देख लीजिए, फिर जी सुनिए सुनिए आप आपकी बात होगी, एक मिनट सुन लीजिए। मतलब मुझे पता है वो पता है, आपको मैं जब रोज लोग आपके चाहिए हवाले दे सकता हूँ। भगवान और अल्लाह सुनिए सुनिए सुनिए, संस्कृत का माना उर्दू में ना देखा है, ये बेवकूफी होगी समझे। खलील अहमद सहारनपुरी साहब क्या लिखते हैं, एक मिनट सुन लीजिए। खलील अहमद सहारनपुरी लिखते हैं कि मुशाबिहत आम है, खैर के कामों में हो या शर के कामों में हो, अंजाम कार वो उनके साथ होगा खैर या शर में। बजरुल मजहूर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 59 में लिखते हैं, समझे। 40 सेकंड हो गया। ये शर के माने, एक मिनट भी बोलते नहीं है, आप बीच में खलल करते हैं,
तो हमारे ताल्लुक हिंदुओं से और मुसलमानों से ताल्लुक ये खलत मलत नहीं करनी चाहिए कि हमारा मजहब ऐसा मजहब है न किसी के जुल्म से सर टेका है न कत्ल, जितना भी कत्ल किया इस्लाम को उतना ही सरबलंदी में परवान चढ़ा है, वो इस्लाम है। तो हम किसी के लिए दीन को किसी वजह से मसलिया से अपने आप के दीन को बेचने की कोशिश न करें और खलक मलक न करें। जो चीज कुरान ने हमें फैसला दिया है वो सूरे बकरा ही में वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुबुल हक व अंतुम तालमून, ऐसे आयत है सूरे बकरा में। तो हक के साथ बातिल को मत मिलाओ और बातिल को हक के साथ ना मिलाओ। हमारे कुरान हदीस हमारे हक तब है तो हक पे बात करें। अब मिलाना खलत मिलत करना ओम और अल्लाह को ये हमारे इस्लाम का शियार भी नहीं है और आपके उलमा भी मना कर रहे हैं और इलाहाद का फतवा महमूदुल हसन साहब फतवा भी दे दी है, महमूद हसन गंगोही साहब ने फतवा भी जाहिर किए हैं जिसको मैंने आपको बयान किया। अब आप माने या ना माने, आप जो है 3 मिनट बात किए, मैं आपको सुना और आपने जो जितनी भी बातें कही मौजू से रिलेटेड एक भी बात नहीं है। अब आप बात करेंगे, मैं मगरिब के लिए चला। अब मेरी बात सुने, आप इसका मतलब है आप जवाब नहीं दे पा रहे। आपने साबित किया, मैंने जवाब दे दिया। 3 मिनट मैंने आपकी बात सुनी, 3 मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए। मानना मत मांगिए, मत आपके अब आप भाग रहे। अब आप क्या कहते हैं कि जब जाए देखिए, मैंने आपको फिरोजुल लगा से दिखाया कि ओम ये क्या कहते हैं, सिर्फ जबान अलग अलग है लेकिन इसका मतलब एक ही है। और मैं सुन रहा हूँ। मैं ये बताता हूँ ज्ञानत से, ज्ञानत से आप इंसाफ से बात कीजिए। राशि सर उस सूरत को अल्लाह के मुतराब, राशि सर कोई शिकवा नहीं है ये, राशि सर हुनूर उस सिफात के कायल नहीं, यहाँ क्या नहीं, अगर है तो बहुत खूब, वरना इसके ओम से हमें कोई गर्ज नहीं है। और दूसरी बात, मौलाना असद नदवी साहब ने कहा है कि जिनका रूप नहीं हर जगह है, हम तरह मौलाना नदवी नहीं, आप बयान सुनिए, उनका बयान सुनिए, क्या कीजिए मुफ्ती साहब, ज्ञान सुनिए, मैं नमाज के लिए चला, है ना। मौलाना मदनी को बोलो धर्म गुरु की बात, नहीं, आप बात कर लीजिए, जितना मर्जी आए वहाँ बात करते रहिए, ये गलत चीजों की ताइज ना करें। समाज में मुस्तमल लफ्ज से नहीं, गलत चीजों की ताइज ना करें। इसी राशि साहब, किसी जबान के अगर अरबी है ना, अरबी है कोई लफ्ज अरबी है तो अब अरबी डिक्शनरी में देखना पड़ेगा आपको, माना क्या है। अब फारसी है तो फारसी जबानों में देखना पड़ेगा, ना कि दूसरी जबानों में। समझे, एक जबान में गाली है तो एक ना लेना। हेलो हाँ मुफ्ती साहब, आप बात मुकम्मल हुई नहीं, आप फोन काट के चले गए। आप बकवास करें जी, आप बात कर रहे हैं मौजूद से हट करके, तो आप बात कर रहे थे, मैं तो आप मैंने क्या कहते हैं कि जब मैं दलाल देने लगा तो आप फोन काट कर चले गए। दलाल ये तरीका होता है क्या? क्या आप फिरोजुल लुगात की जो किताबें हैं आप उनको मुतबर नहीं मानते हैं? आप सारी लोगों की किताबों को लात मार देंगे। सुनिए, मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताइए, जो है पूजा लफ्ज क्या कहती है, कौन सा लफ्ज है ये? सुनिए मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूजा लफ्ज कौन सा लफ्ज है ये? मैं आपकी 3 से 4 मिनट भी आऊँगी, 3 मिनट बोलने के बाद आप मेरे पास सुनिएगा, लेकिन आप मेरे पास सुनने की सलाह नहीं रख सकते, फोन काट के चले गए, ये तो सही रहेगा बात करने का? नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, वक्त आप नहीं, तो जब आप क्या कहते हैं कि बात फोन कीजिए तो वक्त निकाल कर कीजिए, ठीक है? ये नहीं कि आप अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाला जब जवाब
की तरफ ना सिर्फ फोन करके चले जाए, ये राय फरार अख्तियार करना होता है। देखिए आपके मौलवी अहमद राजा साहब ने कुरान का तर्जुमा किया है कि ऐ अल्लाह हम तेरी पूजा करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। तो बताइए आप कह रहे थे कि जो चीज क्या कहते हैं संकीर्ण लफ्ज है उसका इस्तेमाल करना मुसाबत अख्तियार करना है। अपने से बात करने से क्या होगा? नहीं नहीं, मैं आप खामोश रहेंगे, मैं 3 मिनट बोलूंगा आप खामोश रहेंगे। नहीं मैं अभी कुछ पूजा अल्लाह कहते थे इस्तेमाल करना तर्जुमे में मैं बात नहीं कर सकता। वो भी अल्लाह का इबादत।